देखो, तो इस थर्ड क्वेश्चन में आपको दो प्लेट्स गिवन है। वो कह रहा है कि एक के ऊपर चार्ज हमने क्यू दिया, दूसरे के ऊपर चार्ज हमने थ्री क्यू दिया। आप अपना क्वेश्चन जब भी अनइक्वल चार्जेस होंगे कैपेसिटर की प्लेट्स पे स्टार्ट ही नहीं करेंगे जब तक आप अंदर के चार्जेस को कैलकुलेट नहीं करेंगे, आंसर नहीं आएगा कभी भी। क्लियर है यहाँ? तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स उल्टा कर लो, माइनस एक्स एक्स, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है। तो अगर ये माइनस एक्स तो ये एक्स, यहां जान के मैंने एक्स लिया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा चार्ज है, अब उल्टा भी लोगे तो भी चलेगा। तो ये माइनस एक्स है तो ये क्या बनेगा, क्यू प्लस एक्स। तो अगर ये प्लस एक्स है तो क्या बनेगा, थ्री क्यू माइनस एक्स। कॉर्नर के चार्जेस बराबर है, इक्वेट करके एक्स आ गया क्यू, तो यहां पर एक्स आ गया क्यू और यहां पर क्या आ गया, माइनस क्यू। तो डायग्राम ये तैयार हो गया, माइनस क्यू क्यू, हमें अंदर के चार्जेस चाहिए होते हैं बस, तो अंदर के चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब वो कह रहा है कि इस केस में पी इज द मेरिडियन प्लेट प्लेन ऑफ द कैपेसिटर। मेरिडियन प्लेन का मतलब एक ये प्लेट्स हैं, इसके सामने इमेजिनरी प्लेन है, इसके अंदर की तरफ उसके ऊपर कोई पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट मिडिल पॉइंट है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पी और ए पॉइंट का, पी और ए पॉइंट का। तो हमें ये पता है कि एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा क्या लें, चार्ज बाय एरिया। चार्ज क्या लें, जो भी कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, कैपेसिटर के अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्यू। तो सिग्मा की जगह क्या यूज करेंगे, क्यू बाय एरिया। क्लियर है यहां तक? तो ई आ गया। तो वीपी माइनस वी ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनटू कितना, डी बाय टू, क्योंकि पी और ए में डिस्टेंस कितना है, डी बाय टू। तो यहां से ई की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें, पर आपका आंसर तो सी नॉट की फॉर्म में, सी नॉट का मतलब टोटल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो डी नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या है, सी नॉट इज द आंसर। तो आइडिया समझ में आया कैसे करना है। तो रूल नंबर वन, अनइक्वल चार्जेस में पहले अंदर के चार्जेस निकाल लो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर ये प्लस एक्स और माइनस एक्स लेंगे, अगर प्लस एक्स और माइनस एक्स लेंगे तो क्यू क्या आ रहा है, तो फिर ठीक ही तो है, फिर माइनस की बात हो गया, वैल्यू तो वही आएगी माइनस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। रूल नंबर वन, ये अर्थ अर्थ इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके टू और टू किस में, सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा, वन। अब ए और बी के बीच में, ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ये जंक्शन ये क्या है, ये ए है, और ये जंक्शन क्या है, बी है। मेरे हिसाब से ये तीनों पैरेलल में है। कई लोग इसको ऐसे देख रहे थे कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और जो आंसर आएगा वन के साथ इन सीरीज में है, और बहुत प्रोबेबिलिटी ऐसा होने की,
काफी लोग ऐसा बोलेंगे कि ये दोनों वन लग, 2+2 कर दो 4, 4 और 1 सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर के अंदर है। इसमें नहीं ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी बीच में जंक्शन आए हुए हैं। चलो मैं इसको और तरीके से प्रूव करता हूं। मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी वन है, मान लो बी पॉइंट का पोटेंशियल वी टू है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी वन है तो इसकी लेफ्ट प्लेट वी वन है, यहां से ये भी वी वन है, यहां से ये भी वी वन है। वी वन जहां जहां ए टच कर रहा है, वी वन वी वन वी वन, इधर से ये वी टू है, तो ये वी टू है, ये वी टू है और ये वी टू है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू। मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया ये पैरेलल में है, तो तीनों के तीनों पैरेलल में। तो आंसर इसमें क्या आएगा? ये रहा आंसर, आंसर 5। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो चेक करके देख लो, अगर कंफ्यूजन है चेक करके देख लो। वी वन वी वन वी वन, वी टू वी टू वी टू आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी अभी अभी हमने किया, करना जरा सॉल्व इसका आंसर क्या है। चार डिस्ट्रीब्यूशन पे ये भी क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट विद अ बैटरी। एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड है, वी 50 है, तो चार्ज 500 माइक्रोकूलम है। तो 500 माइक्रोकूलम का मतलब यह है कि आपके पास अगर एक कैपेसिटर है तो इसके अंदर की तरफ प्लस 500 है और इस तरफ माइनस 500, ये होता है इसका मतलब। वो कह रहे हैं एडिशनल चार्ज 200 माइक्रोकूलम इज गिवन टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सिर्फ पॉजिटिव पे। तो 500 प्लस 200 क्या हो गया? 700। और यहां क्या हो गया? -500। अनइक्वल चार्जेस हो गए, कैपेसिटर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? अपने अंदर के चार्जेस को बराबर इक्वल एंड ऑपोजिट रखेगा। तो मान लो ये कितना है क्यू, तो ये कितना है माइनस क्यू। टोटल 700 है तो ये कितना 700 माइनस क्यू, ये माइनस क्यू। तो -500 है तो -500 प्लस क्यू, टोटल -500 आना चाहिए। रूल वही है, कॉर्नर के चार्जेस इक्वेट करो, क्यू आ गया 600। तो यानी कि अंदर का चार्ज जो कैपेसिटर का अब नया वो कितना आ गया 600 एंड -600, राइट। तो आपको इस कैपेसिटर के अंदर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ अंदर का चार्ज लेते हैं और वो भी कौन सा? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार्ज 600, अंदर का क्या आया +600, माइनस वाला नहीं +600, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस तो पता ही है 10 आंसर। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जब भी अनइक्वल चार्ज दिखेंगे पहले x और माइनस x लेके सही करना है, ठीक है यहां तक सर? वहां पे आपने -500 लिखा है, यहां पे
यस सर। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, शुरू में वो कह रहा है कि सी पता है वी पता है, तो 500 माइक्रो कूलम का चार्ज है कैपेसिटर पे। यस सर। 500 माइक्रो कूलम का मतलब ये प्लस 500 तो ये माइनस 500, डन ठीक है। यस सर। फिर वो कहता है कि मैंने इसको 200 और दे दिया, कितना बन गया 700। 700। 700 माइनस यस 500 अनइक्वल है, तो सबसे पहले इसे यस सर। एडजस्ट किया क्यू माइनस क्यू करके, तो 700 माइनस क्यू क्योंकि यस टोटल 700 है, यस सर। माइनस 500 प्लस क्यू क्योंकि टोटल यस तो सर। माइनस 500, इन्हें इक्वेट कर लिया तो एक्स क्यू आ गया। ओके सर। अब फाइनल क्या हुआ, ये 600 और ये माइनस 600। तो आपकी प्रॉब्लम ये नया कैपेसिटर है 600 माइनस 600, ठीक, माइक्रो कूलम माइक्रो कूलम। यस तो सर। आपको पोटेंशियल यस सर। डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज अपॉन सी होता है, चार्ज कौन सा लेना है 600 अपॉन सी, ओके सर। ठीक। इसका आंसर बताओ क्या होगा सिक्स का। ठीक है, देखो इसमें 190 वोल्ट है, C3C, आपको पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकालना है। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना एक ही बात है, तो आपको 3C कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, सी और 3C सीरीज में है, तो ए और बी को 2 मिनट भूल जाओ, ये दोनों सीरीज में है तो आंसर 3C/4। फिर 3C/4 और 3C पैरेलल में है तो आंसर 15C/4, 15C/4 और C सीरीज में है, राइट। तो टोटल कितना है 190। तो अगर मैं ये पूछूं कि इस पे पोटेंशियल निकालो क्या होगा V2, तो ये V1 ये V2, तो पोटेंशियल V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटेंस की रेशियो 1:15/4 है, तो पोटेंशियल की रेशियो 15:4:1 है, तो V1:V2 क्या आ गया 15:4। तो आपको टोटल 190 की बने, V2 क्या बनेगा 4 / 4 + 15 × 190, तो क्या आएगा 40 वोल्ट। तो आपने ये 40 वोल्ट निकाल दिया। ये कैपेसिटर किसका बना हुआ है, इन दोनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो V की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो अगर 40 है तो 40 40, ये भी क्लियर है, तो ये 40 40 हो गया। अब ये कैपेसिटर 3C/4 किसका बना हुआ है, सीरीज में, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, तो इन दोनों का भी मिला के कितना है 40 है। तो आप एक बात बताओ, अगर टोटल 40 है तो आप इसका निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे, ये दोनों किसमें है सीरीज में, टोटल कितना है 40 है, इसको कितना मिला V1, इसको क्या मिला V2, कैपेसिटेंस की रेशियो क्या है 1:3, तो V की रेशियो क्या है 3:1, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 40 है। आपको इसमें V2 निकालना है, यानी कि 3C की वोल्टेज निकालनी है, तो V2 विल बी इक्वल टू 1 / 1 + 3 × 40, आंसर 10 वोल्ट है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो तो ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या निकालना है, चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रो फैरड, इसमें चार्ज बताना है। अब ये खास किस्म की प्रॉब्लम है, ये तो हमें पता है कि पैरेलल में है, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये वाली वायर देखो, ये वायर इन दो कैपेसिटर्स को बाहर से टच कर रही है। अब अगर यहां का पोटेंशियल वी है तो यहां का पोटेंशियल भी वी है। ध्यान से नोट करो, पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स का क्या है? जीरो। ये चार्ज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोने के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज कहां से होगा? तो ये दो कैपेसिटर्स को बाईपास कर दिया, रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसी वायर बाहर से घुमा दी जो कि इसको शॉर्ट कर रही है, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसे फिजिक्स में, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट लिखा होगा आपके सॉल्यूशंस के अंदर, बुक्स के अंदर भी। तो कुछ नहीं करना, एक ऐसा बाईपास रास्ता देना जिससे कि ये लगाओ ना लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, और एक ऐसी वायर लगानी जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है, ताकि वी दोनों में क्या हो जाए? सेम। तो इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, चार्ज क्या आएगा? ठीक है यहां तक? तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम कॉन्सेप्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट वाला। ये क्वेश्चन करना है 11th। देखो इसमें दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, सी एंड सी, तो सीरीज में कनेक्टेड है। बैटरी की वोल्टेज ई है, वी ले लो, ई ले लो, जैसा कि बने वैसा ले लो। तो वो कह रहे हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक है, पहले इनमें डाइलेक्ट्रिक नहीं था, बाद में इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इस पे और इस पे चार्ज था Q1 एंड Q2, कंफ्यूज करने के लिए Q1 Q2 दे रहा है, जब सीरीज में है तो Q1 Q2 की वैल्यू एकदम सेम ही होगी। फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कैपेसिटेंस चेंज हो गई, चार्जेस चेंज हो गए, तो अब नए चार्ज विद डाइलेक्ट्रिक हो गया Q1 डैश एंड Q2 डैश, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है चार्ज, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक के बाद चार्ज Q2 डैश है, डाइलेक्ट्रिक से पहले चार्ज Q2 है। आपको रेशियो निकालनी है Q2 डैश Q2 की या Q1 डैश Q1 की, जो भी कहो, राइट? तो रूल नंबर वन, पहले डायलैक्ट्रिक है, मान लो उल्टा कर लो, डायलैक्ट्रिक है, अगर डायलैक्ट्रिक है
तो सी और के सी ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी, सी वन इंटू सी टू बाई सी वन प्लस सी टू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बैटरी की वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो, क्यू इज इक्वल टू सी वी, इसको ई से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, दोनों कैपेसिटेंस का चार्ज आ गया। पहला रूल क्लियर है चार्ज का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके चार्ज आ गया और दोनों पे सेम रहेगा। दूसरा रूल, मैंने कैपेसिटेंस में से के निकाल दिया, अब सी और सी बच गए, दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो आंसर सी बाई टू। इक्विवेलेंट जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सी बाई टू इंटू ई, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू ई, ये आ गया। तो ये चार्ज आया बिना डाइलेक्ट्रिक के, ये चार्ज आया विद डाइलेक्ट्रिक के। आपको क्यू टू डैश और क्यू टू की रेशियो निकालनी है, डिवाइड करके देखो आंसर आ जाएगा, डन। मेथड क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है, यस ठीक। सर। और ये लास्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन है। इन एन इंसुलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी, फोर सर्फेसेज हैव चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहे हैं मुझे, नहीं भी हैं तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही जाने हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, क्यू टू और क्यू थ्री का चार्ज इक्वल होगा लेकिन साइन का नेगेटिव का फर्क होगा, बताइए। अगर ये एक्स है तो ये माइनस एक्स है, तो क्यू टू और क्यू थ्री का मैग्नीट्यूड बराबर होगा इसमें, पता लग रहा है, और साइन माइनस होगा, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज की है, ठीक। एडजस्टमेंट तो क्यू वन क्यू फोर को करनी है, ये तो अपने इक्वल एंड ऑपोजिट करके बैठ जाएंगे। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लेते हैं, अंदर का पॉजिटिव चार्ज, तो ये मान लो क्यू टू डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, आंसर आ गया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर मार्क करना हो तो आंसर क्या आएगा, क्यू टू डिवाइडेड बाई सी, खत्म, कोई डाउट इसमें। पर ये ऑप्शन है नहीं, हर ऑप्शन में टू सी टू सी टू सी गिवन है, कोई बात नहीं, इसको टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू क्यू टू को लिखो क्यू टू प्लस क्यू टू, लेकिन क्यू टू किसके इक्वल है, माइनस क्यू थ्री, आंसर मिलेगा आपको ऊपर। आपको ये क्या यार, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड मैं कैसे करूंगा, मैं यहां तक तो कर लूंगा, आगे थोड़ा करूंगा, तो मत करो। आपको यहां तक आंसर पता लग गया, अब मत करो आगे। ट्रिक देखो, इसके अंदर ऑप्शन पकड़ो और क्यू थ्री को पुट करो माइनस क्यू टू, आंसर आ गया। हिट एंड ट्रायल, हर जगह क्यू थ्री की जगह माइनस क्यू टू कर लो, एक आंसर आ जाएगा, डन, सही है।